न्यूज तो देखी होगी ना कल, इतना बड़ा मोमेंट हम सब इंडियंस के लिए, इतना प्राउड मोमेंट। 23 अगस्त को 6:03 शाम को हमारा चंद्रयान 3 का मिशन एकदम सक्सेसफुल हुआ। हमारे साइंटिस्ट्स की बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा बड़ा इन्वेस्टमेंट, सब सफल हुआ, सब सक्सेसफुल हुआ जब हम लोगों ने मून पर एक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। तो यार, हम लोगों की कंट्री, आर नेशन इंडिया, बनता है फर्स्ट कंट्री मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाली। और जैसे ही हमारा विक्रम रोवर वहाँ पे लैंड हुआ था, वहाँ पे उसने कदम रखे थे अपने पहले, अगर हम बोले तो वहाँ पे हमारा नेशनल एम्बलम भी इम्प्रिंट किया था मून के सरफेस पे। अब यहाँ से बात आती है कि चंद्रयान 3 जो मून पर पहुँचा है, अब एक चीज़ समझो कि चंद्रयान 3 मून पर 14 अर्थ डेज के लिए रहेगा एंड 1 लूनर डे के लिए रहेगा। मतलब मून पे एक दिन अर्थ के 14 डेज के बराबर है। वो मून के हिसाब से तो एक दिन पर वहाँ पे सर्वाइव करेगा, बट इंडिया के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 14 डेज तक वो सर्वाइव करेगा। एंड 14 डेज तक ही वो मून की सारी थर्मल पोजिशन, सारी रॉक्स के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। अब हमें समझना है इस वीडियो में पूरी हिस्ट्री अबाउट चंद्रयान 3 एंड कैसे हम लोगों ने सक्सेसफुली ये 384,000 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। अब इंडिया का ये पहला अटैम्प्ट नहीं है, तुम्हें नेम से ही समझ आ रहा होगा ये चंद्रयान 3 है। इंडिया ने इससे पहले 2 अटैम्प्ट किए हैं, एक अभी रिसेंटली किया था 2019 में, बट तब क्या फेलियर रह गया, और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या 4 डिफरेंसेस हैं जो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला, जो चंद्रयान 2 था उसका जो ऑर्बिटर है वो सक्सेसफुली काम कर रहा था, वो अभी भी अर्थ के ऑर्बिट में है। सो ये चंद्रयान 3 के लिए ईजी हो गया कि उनको सिर्फ लैंडर और रोवर बनाना था। सेकेंड डिफरेंस ये आता है कि चंद्रयान 2 में सिर्फ एक ही कैमरा था एंड यहाँ पे चंद्रयान 3 में करेंटली 2 कैमरास प्लेस्ड है जो हमारी नॉलेज को और डीप बना सकता है एंड हमारे कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकता है। तीसरा डिफरेंस हमारे पास ये आता है कि जो चंद्रयान 3 का पूरा शेप है और जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें उसके लेग्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ताकि हमारी सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी हालत में फेल ना हो। और चौथा डिफरेंस आता है उसके शेप के हिसाब से, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल इन्फॉर्मेशन दे पाएगा अबाउट मून। अब यहाँ पे ये प्रोसेस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एंड इसकी सक्सेस के बाद इंडिया ने बहुत बड़ा नाम किया है ऑल अराउंड द ग्लोब। इंडिया इज नाउ ऑन द मून। हमें कंपटीशन देने के लिए रशिया ने भी लूनर 25 लॉन्च किया था, जो अनफॉर्चुनेटली फेल हुआ था, बट उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला, बट उसमें उनकी भी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा डेडिकेशन इन्वॉल्व था। तो अब ये चंद्रयान मिशन जो इतना सक्सेसफुल हुआ है, इसने हमारे देश को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर गया है, हमारे देश का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर गया है। दिस सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड हम सबको यही उम्मीद है, हम सबको यही एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही हम सबका नाम बहुत आगे ले जाए।